4 दिसंबर को नागालैंड में भारतीय सेना ने एक पिकअप वैन पर गलती से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस गोलीबारी में 15 नागरिक और एक सैनिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद एक वीडियो शेयर किया जाने लगा। वीडियो में सैनिकों को चाकू से धमकाते हुए दो सिविलियंस दिख रहे हैं और सैनिक खुद का बचाव करते हुए ज़मीन पर फायरिंग कर रहे हैं। पूर्व रक्षा अधिकारी और लाइफ कोच AK नैथानी ने यह वीडियो ट्वीट किया। उनसे जब पूछा गया कि क्या ये वीडियो नागालैंड का है, तो उन्होंने लिखा कि ये बात नहीं मानने का उनके पास कोई कारण नहीं है। खुद को रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बताने वाले ट्विटर यूजर MJ अगस्टीन विनोद ने नैथानी का वीडियो ट्वीट करते हुए नागालैंड के नागरिकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेना को गोली चलाने के लिए उकसाया था। और भी कई लोगों ने ये वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया। BJP नेताओं में राजीव चंद्रशेखर ने विनोद का ट्वीट लाइक किया। वहीं अश्विनी उपाध्याय ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए बस इतना लिखा कि सेना का धैर्य देखिए। व्हाट्सएप पर यह वीडियो शेयर करते हुए काफ़ी लंबा मैसेज लिखा गया है। इसमें नागरिकों की मौत को सही ठहराया गया है, साथ ही मैसेज का क्रेडिट एक सैन्य अधिकारी को दिया गया है। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई? वीडियो के एक फ्रेम का रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमने देखा कि इसे 2018 में कोलंबिया स्थित एक न्यूज़ आउटलेट ने पब्लिश किया था। रिपोर्ट के अनुसार ये घटना ग्रामीण कोरिंटो की है। कोलंबिया स्थित अन्य मीडिया आउटलेट्स ने भी इस घटना पर रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये घटना कोरिंटो में हुई थी। 5 जनवरी 2018 को कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति ख्वान मैनुअल सांतोस ने इस घटना पर अफसोस जताया था। इस तरह नागालैंड फायरिंग में मारे गए 15 नागरिकों की मौत के बाद सेना का बचाव करने के लिए कोलंबिया का एक पुराना वीडियो गलत दावे के साथ शेयर किया गया। धन्यवाद।